The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal. Kaise hain aap? Main hu Dr. Paramjeet. Dosto, hum baat kar rahe hain blood test series ki aur blood test ki series mein humne aapko WBCs, RBCs, TLC counts, CBC क्या होता है, complete blood count क्या होता है, इन सब के बारे में बताया. WBC, RBCs और hemoglobin और सारी चीज़ों के बारे में वीडियोस आप ढूंढ सकते हैं. ढूंढने के लिए टॉपिक अपना जो चॉइस जो ढूंढना है वो उसके साथ डॉक्टर एजुकेशन का नाम यूट्यूब सर्च बार में लिखेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा. आज हम बात करेंगे आपके TLC count, total leukocyte count high क्यों होता है, हमने ऑलरेडी बता चुके हैं. अब लो क्यों होता है हम ये बताएंगे. तो लोअर देन नॉर्मल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या वाइट ब्लड सेल काउंट जो होता है उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं. पीनिया, साइटोसिस यानी बढ़ जाना, पीनिया यानी कम हो जाना, और ल्यूकोसाइट्स कम हो जाए यानी WBC कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया हो जाता है. ये होता है कई सारे कारणों में. नंबर वन, बहुत कॉमन कारण हो सकते हैं इनके, जैसे कि अगर कोई बोन मैरो प्रॉब्लम आ रही है, बोन मैरो फेलियर हो रही है. मतलब ये सबसे कॉमन कारण की बात नहीं कर रहे हैं, पर सारे कारण लिस्ट कर रहे हैं. नंबर एक, क्योंकि अगर आपका बोन मैरो है जहां से आपके ल्यूकोसाइट बनते हैं वहीं पर बेसलाइन प्रॉब्लम शुरू होगी कि बोन मैरो से ही वो बन नहीं रहे हैं तो आपके TLC काउंट्स, आपके ल्यूकोसाइट्स कम हो जाएंगे, WBC कम हो जाएंगे. बोन मैरो में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इन्फेक्शन हो सकता है, बोन मैरो ट्यूमर हो सकते हैं, बोन मैरो में रेडिएशन या कीमोथेरेपी से डैमेज हो सकता है. कीमोथेरेपी रेडिएशन आप कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, वैसी ही बात होगी. कैंसर या कैंसर के ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, उससे भी आपके WBC काउंट कम हो सकते हैं. ऑटो इम्यून डिजीज या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट अगर आपकी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, ऑटो इम्यून डिजीज है, या ऐसी कोई बीमारी जैसे SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उस केस में भी आपके WBC काउंट्स कम पाए जाते हैं. फिर अल्कोहल अब्यूज, दारू बहुत ज़्यादा पीने वाले लोग, या जिनका लिवर डैमेज हो जाए. ऑब्वियसली जिनका लिवर, दारू बहुत ज़्यादा पीते हैं तो लिवर कुछ ना कुछ डैमेज होता है. अगर लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो भी आपके TLC, WBC काउंट्स बहुत ज़्यादा बड़े कम आएंगे, लो आएंगे, राइट, लिवर डैमेज में, राइट. उसके बाद में अगर बात करें स्प्लीन की, लिवर या स्प्लीन दोनों में बीमारियां हैं, कोई भी बीमारी है लिवर और स्प्लीन की बीमारी, इनमें भी आपके WBC काउंट्स कम आते हैं. इन्फेक्शंस में ज़्यादातर केसेस में WBC बढ़ जाता है, लेकिन वायरसेस से, कुछ वायरसेस के इन्फेक्शन जैसे कि HIV एड्स, ऐसी वायरसेस या मोनोन्यूक्लियोसिस या HIV एच वाली वायरसेस में आपका TLC काउंट कम हो जाते हैं. फिर स्प्लीन बड़ी हो सकती है, स्प्लीन एनलार्ज्ड हो जाती है, राइट. और मेडिसिंस, आखिरी में जो मेडिसिंस, कई सारी मेडिसिंस हैं जिनका साइड इफेक्ट्स होता है इम्यूनो सप्रेशन, और वो एक तरीके से आपके इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं और अपना TLC काउंट कम कर सकती हैं, तो मेडिसिन भी उसका एक कारण है. सो ये सारे कारण हो सकते हैं WBCs, वाइट ब्लड सेल काउंट्स कम हो जाने के. याद रखिए, कम हो जाना अपने आप में एक स्टेट ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है. अगर आपके WBC काउंट बहुत ही ज़्यादा कम है उसका मतलब आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है, राइट. आपके खून में फाइटिंग सेल्स कम है, इसका मतलब आपके देश में सेना, आपके देश में सिपाही, आपके शरीर में पुलिस वाले कम है, तो आतंकवादी और कीटाणु आप पे हमला कर सकते हैं, राइट. सो आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम करना होगा, डॉक्टर से बात करनी होगी, ढूंढना होगा कारण कि क्या कारण है कि आपके शरीर में इन चपकी पैदावार कम हो रही है, राइट. सो ये हुई बात. अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ में डाउट हो तो लोकल अपने कोई भी फिजिशियन से जाके बात कर सकते हैं और फिजिशियन से अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.